साल 1969 कोसी के किनारे बसे एक आम से गांव का एक परिवार खुशियों से झूम रहा था, क्योंकि परिवार का बड़ा लड़का बिहार पुलिस में डीएसपी के पद पर नौकरी पा गया था। परिवार का हर सदस्य उल्लास से भरा हुआ था। घर में जो भी था, जितना भी था, उसे बांटकर परिवार मस्ती में झूम रहा था। लेकिन इस मस्ती में घर का वो बड़ा बेटा, जिसने बिहार पुलिस में अभी अभी डीएसपी की नौकरी हासिल की थी, शामिल नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर आया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, एक खिंचाव था, तनाव था, शायद वो कुछ तय करके आया था। उसने अपने बाप से कहा, बिहार पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा, एमएलए बनूंगा। इस फैसले को सुन पिता दुखी तो बहुत हुए, लेकिन बेटे पर भरोसा करते थे, सो दिल पर पत्थर रख लिया। नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदने का फैसला उस लड़के का अपना नहीं था। उसके एक दोस्त ने उससे एक बहुत गहरी बात कही थी। उसने कहा था, चुन लो कि तुम सरकार बनना चाहोगे या नौकर। जाहिर तौर पर लड़के ने कहा सरकार, तो फिर उसके दोस्त ने उससे कहा कि पुलिस की नौकरी छोड़ो और कूद पड़ो राजनीति के समर में। लड़के को बात जम गई और उसने यही रास्ता अपना लिया, और इस रास्ते पर चलते हुए वो बन गया देश और बिहार का एक बड़ा दलित नेता। रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान, माननीय रामविलास पासवान जी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार, पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन किस्से सुनाने में मजा आता है। आज इस वीडियो में आपको बिहार से निकले और देश भर में छा जाने वाले राजनेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कहानी सुना रहा हूं। जब तक मैं कहानी के सिरे को शुरू से पकड़ता हूं, तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो में आखिर तक साथ बने रहिए। तो आज की कहानी शुरू होती है 5 जुलाई 1946 से। जगह कोशी और करेह नदी के बीच आबाद शहर बन्नी गांव से। बिहार की राजधानी पटना से करीब 160 किलोमीटर दूर स्थित इसी गांव के एक दलित परिवार में रामविलास पासवान का जन्म हुआ 5 जुलाई 1946 को। ये तारीख हम पहले भी बता चुके हैं। रामविलास पासवान जिस परिवार में पैदा हुए, उसमें वैसी गरीबी नहीं थी जो उस वक्त के ज्यादातर घरों में रही होगी। रामविलास पासवान के पिता जमुना दास के पास 3 बीघा जमीन थी। उन्होंने शुरू से ही ये तय कर लिया था कि उनके परिवार के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, स्कूल जरूर जाना चाहिए। रामविलास पासवान के चचेरे भाई और उनके बचपन के साथी अर्जुन पासवान के हवाले से लेखक पत्रकार संतोष सिंह ने अपनी किताब JP2 BJP बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश में इस तथ्य को दर्ज किया है। संतोष जी की इसी किताब के आधार पर हम आपको रामविलास पासवान के जीवन की ये कहानी सुना रहे हैं। मतलब संदर्भ तथ्य जो लिए गए हैं वो उस किताब से लिए गए हैं। तब रामविलास पासवान, उनके छोटे भाई पशुपति, कुमार पारस और 2 चचेरे भाइयों का ग्रुप था। ये सब हम उमरिया थे, साथ साथ गांव के बगल में स्थित जगमोहरा स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल जाने के लिए चारों भाई को कराह नदी हेल कर जाना पड़ता था, और जब मौसम बरसात का होता था तो वे नाव का सहारा लेते थे। रामविलास पासवान के पिता ये सब देख रहे थे, इस दिक्कत को समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने स्कूल के एक मास्टर साहब कन्हैया प्रसाद को ही अपने घर रख लिया। मास्टर साहब बच्चों को स्कूल ले जाते सुरक्षा के बीच सावधानी से। स्कूल से आने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते, बदले में रामविलास पासवान के पिता उन्हें घर का खाना खिलाते और घर में पनाह देते, घर में रखते। सिलसिला शुरू हुआ और मास्टर साहब ने पासवान भाइयों को तब तक पढ़ाया जब तक वो प्राइमरी स्कूल से निकलकर मिडिल स्कूल में भर्ती नहीं हो गए। मतलब समझिए, नींव बहुत मजबूत रखी रामविलास पासवान के पिता ने उनकी। अब एक मिनट के लिए सोचिए कि तब रामविलास पासवान के पिता ने कितना बड़ा काम किया। साल 1950-55 के बीच ये सब वो कर रहे थे, तब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी माँ बाप द्वारा इतनी कोशिश करना कोई आम बात नहीं है। पढ़ाई के लिए इतना सोचना, प्लान करना और उस प्लान को हकीकत में तब्दील करने की जो कोशिश तब रामविलास पासवान के पिता कर रहे थे, वो काबिले तारीफ है। खैर, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद रामविलास पासवान और उनके भाई खगड़िया के PWD हाई स्कूल में आ गए। ये लोग स्कूल के हॉस्टल में रहने लगे।
हॉस्टल में होने वाली मीटिंग्स में ही पहली बार रामविलास पासवान के अंदर के नेता को वहां के छात्रों ने देखा, महसूस किया। वो अपने बाकी भाइयों के मुकाबले और दूसरे छात्रों के मुकाबले हॉस्टल की मीटिंग में ज्यादा सक्रिय रहने लगे। यही वो वक्त भी है जब रामविलास पासवान को उनके एक साथी लक्ष्मी आर्या राष्ट्रीय या राज्य स्तर की राजनीति से मिलवा रहे थे, परिचय करवा रहे थे। अब घूम के उस कहानी पर आते हैं जिससे बात शुरू हुई थी। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रामविलास पासवान बिहार पुलिस में डीएसपी की नौकरी पा गए थे, जरूरी परीक्षाएं पास कर चुके थे। तभी उनके मित्र लक्ष्मी आर्या ने उनसे कहा कि वो चुन ले, उन्हें सरकार बनना है, वो सरकार बनना चाहते हैं या नौकर। रामविलास पासवान को बात जम गई और वो सरकारी नौकरी को लात मारकर लक्ष्मी आर्या के बताए रास्ते पर चल पड़े। साल था 1969, आपको पहले बताया है, इसी साल राज्य में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब देखिए, रामविलास पासवान ने अभी अभी अपने दोस्त के कहने पर बिहार पुलिस की डीएसपी की नौकरी छोड़ी है, घर वाले परेशान हैं। युवा रामविलास को उनका एक मित्र राजनीति की तरफ लेकर चल पड़ा है। राज्य में चुनाव होने वाले हैं, उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं, ऐसे में लक्ष्मी आर्या पटना में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत में युवा रामविलास पासवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां युवा रामविलास पासवान के किस्से को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और उस भूगोल को समझ लेते हैं जहां से रामविलास पासवान राजनीति में अपना रास्ता खोज रहे थे। खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट पर मिश्री सदा देश के पहले विधानसभा चुनाव से अकेले राज कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, तब उनकी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला वहां नहीं था। लेफ्ट पार्टियों ने चुनाव में मिश्री सदा के खिलाफ उम्मीदवार दिए थे लेकिन वो कमाल नहीं कर सके थे। लिहाजा जब सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार देने की सोची तो युवा रामविलास पासवान के नाम पर जुआ खेलना उनको ज्यादा बेहतर लगा। विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान मिश्री सदा के सामने उम्मीदवार बन गए। देखते ही देखते यहाँ एक दिलचस्प किस्सा सुनते जाइए। रामविलास पासवान को टिकट मिल चुका है, वो पैसेंजर ट्रेन में है, तभी उन्होंने देखा कि उसी डिब्बे में उनके प्रतिद्वंदी और अलौली विधानसभा के विधायक मिश्री सदा भी बैठे हैं और वो अपने साथ कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। मिश्री सदा क्या कह रहे हैं, हाँ एक लौंडा है जो इस बार मुझे मेरे ही इलाके में चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर से वो रामविलास पासवान को नहीं पहचान रहे थे, रामविलास पासवान ने भी उनसे अपना परिचय नहीं करवाया था। किताबों में ऐसा दर्ज है कि रामविलास पासवान ने कोई लौंडा शब्द को दिल से लगा लिया और अपने चुनाव प्रचार में लग गए। रामविलास पासवान के पहले विधानसभा चुनाव के प्रचार की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, ये भी सुनते जाइए। जब युवा रामविलास पासवान को विधानसभा चुनाव का टिकट मिला, अब उन्हें प्रचार करना था, सबको करना होता है, लेकिन प्रचार करने के लिए, घूमने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तब उन्होंने अपने पिता से मिले 250 रुपए से एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल से रामविलास पासवान और उनके मित्र जगदीश मोची चुनाव प्रचार करने लगे। दोनों बारी बारी से साइकिल हांक, एक हांकता तो दूसरा साइकिल के आगे डंडे पर बैठता और इस तरह से किए गए प्रचार की वजह से युवा रामविलास पासवान की चर्चा तब तमाम पूरे विधानसभा चुनाव में होने लगी। जाहिर सी बात है लोगों की दिलचस्पी रही होगी। आज के वक्त में भी अगर कोई इस तरह से प्रचार करेगा तो हल्ला तो मचेगा ही, आज तो रील पर रील बन जाएंगे, पता नहीं कितने वीडियोस बन जाएंगे। खैर, तब युवा रामविलास पासवान अपनी पार्टी यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में कोई वक्त नहीं रखते थे, उनकी कोई औकात नहीं थी। पार्टी के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर उन्हें जानते तक नहीं थे। केवल मुंगेर से तब के सांसद और बड़े समाजवादी नेता मधु लिमिए और राम जीवन सिंह रामविलास के लिए तब कैंपेन करने अलौली पहुंचे थे, लेकिन इस सबसे बेखबर रामविलास अपने दम पर अपना प्रचार कर रहे थे। वोटिंग हुई, वोटिंग की गिनती शुरू हुई, तब तक हर किसी को लग रहा था कि हमेशा की तरह अलौली से तो मिश्री सदा ही जीतेंगे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं को भी इस तरह के ही रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे अलौली विधानसभा चुनाव की एक अलग तस्वीर आने लगी। काउंटिंग खत्म होते होते लौंडे ने अलौली के विधायक को 700 वोटों से हरा दिया और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब यहाँ एक बात और देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान लालू यादव, नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील मोदी से पहले विधायक बन चुके थे। चुनाव जीतने के बाद रामविलास पासवान का नाम पटना पहुंच चुका था, लेकिन उनकी तस्वीर अभी खगड़िया में भी सब जगह नहीं पहुंची थी, पटना तो अभी बहुत दूर था। खैर,
चुनाव जीतने के बाद युवा रामविलास पटना पहुंचे। वो एमएलए फ्लैट में अपने भाई के साथ ठहरे हुए थे, तभी एक सीनियर नेता फ्लैट पर अलौली के युवा विधायक रामविलास को खोजते हुए पहुंचे। फ्लैट पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, रामविलास हैं क्या? सामने से जवाब मिला, नहीं अभी वो बाहर गए हैं। जवाब मिलने के बाद सीनियर नेताजी ने कहा, जब रामविलास आवे तो उनसे कहिएगा कि कर्पूरी ठाकुर उनसे मिलने आए थे। ये बात सुनकर सामने खड़े व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो सीधे कर्पूरी ठाकुर के कदमों में गिर गया, माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं ही रामविलास पासवान हूं, मैं ही आपकी पार्टी का वो युवा नेता हूं जिसने अलौली पर राज करने वाले सदा मिश्र को हराया है, मुझे माफ कर दीजिए। समझिए उस वक्त को, युवा नेता अपनी पार्टी के सबसे सीनियर नेता को चेहरे से नहीं पहचान रहा है, पार्टी का सीनियर नेता अपने युवा नेता को खोजते हुए उसके फ्लैट पर आ रहा है और वह भी उसे नहीं पहचान रहा है। यह सब सोच के लगता है कि क्या ही कमाल का समय रहा होगा। खैर आगे अभी किस्से कई हैं, एक से बढ़कर एक। विधायक रामविलास पासवान जल्द ही कर्पूरी ठाकुर के करीब आ गए। तमाम विरोधों के बाद भी वो अपनी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए। तमाम सीनियर नेता बैठे रहे, विरोध करते रहे, लेकिन रामविलास पासवान इस कुर्सी पर बैठ गए। अब देखिए, साल 1969 से 1976 का समय कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह रहा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन। इंदिरा गांधी जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस सब के बाद साल 1977 में लोकसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अचानक 18 जनवरी को चुनाव की घोषणा करके विपक्ष और देशवासियों को अचंभे में डाल दिया। विपक्ष एकजुट हुआ, जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला। तब जेपी हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान को उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे, लेकिन जनता पार्टी ने सीनियर नेता राम सुंदर दास को टिकट दे दिया था। रामविलास पासवान ये खबर लेकर जेपी के पास पहुंचे, जेपी निराश हुए। तब जेपी ने कहा था, वो नहीं जानते कि हाजीपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन है, लेकिन जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान ही है। इसके बाद कुछ बचा नहीं था, राम सुंदर दास को मैदान से हटना पड़ा और रामविलास पासवान चुनाव लड़े तो इतिहास बना गए। तब हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान रिकॉर्ड मार्जिन से जीते और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा गए। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 32 साल बाद इसी हाजीपुर सीट से राम सुंदर दास ने रामविलास पासवान को बतौर जदयू उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में हराया। आप कह सकते हैं कि ऐसा करके दास ने 1977 के लोकसभा चुनाव का बदला पूरा किया। तो ये थी बिहार के एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे एक जमे जमाए राजनेता ने लौंडा कहा था, जो बिहार से निकला तो देश भर में एक दलित नेता के तौर पर स्थापित हो गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान से जुड़ी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, आप ये कह सकते हैं कि एक पड़ाव पे पहुंची है। यहाँ से उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां शुरू होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे की कहानी भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी है, तथ्य पूर्ण लगी है और सार्थक लगी है तो वीडियो को शेयर करते जाइए। छोटा सा अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और कमेंट करके अपनी ईमानदार राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगली दफा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और अगर आप लोगों ने कहा तो अगली कहानी के तौर पर मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान की कहानी को ही आगे बढ़ाऊंगा, जहां आज के वीडियो में खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।